वेलकम टू भाविकास किचन क्लासेस। मैं हूँ भाविका चावला। फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरीज का सीजन है तो हम आज बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी जैम। एंड इसे पूरे साल तक आप कैसे स्टोर कर सकते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉबेरी जैम। फ्रेंड्स, समर सीजन में विंटर्स के फ्रूट्स का मज़ा लेने के लिए आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी जैम, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ली हैं स्ट्रॉबेरीज 500 ग्राम्स। आधा किलो मैंने स्ट्रॉबेरीज ली हैं। इनका जो ऊपर का जो स्टेम होता है ग्रीन कलर का, वो भी मैंने निकाल दिया है। एंड मैंने इन्हें अच्छे से वॉश किया है 5-6 बार। एंड बिल्कुल हाफ हाफ मैंने कट किया है, या आप छोटे स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं। सो अराउंड मैंने लिया है ये 500 ग्राम्स स्ट्रॉबेरीज। एंड ये मैंने पैन लिया है और मेरा गैस बंद है। तो सबसे पहले मैं डालूंगी स्ट्रॉबेरीज। ये मैं ऐड कर रही हूँ 300 ग्राम शुगर। मैंने गैस बिल्कुल ऑन नहीं किया है, गैस अभी भी बंद है। अब मैं डालूंगी इसमें पानी, और पानी आपको इतना डालना है कि ये जो स्ट्रॉबेरीज हैं ये बस उसमें डूब जाए। ये देखिए, बस इतना सा ही, इससे ज्यादा हम पानी ऐड नहीं करेंगे। अब मैं गैस को करूंगी ऑन। अब इसे हम होने देते हैं बॉयल, शुगर मेल्ट हो जाएगी एंड ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है एंड जो हमारी शुगर है वो बिल्कुल डिसॉल्व हो गई है। अराउंड 5 मिनट्स हुए हैं, आप देख सकते हैं शुगर बिल्कुल डिसॉल्व हो चुकी है। देखिए, इस तरीके से जब पानी बबलिंग होना शुरू हो जाए, इस तरीके से हार्ड बॉइलिंग होना शुरू हो जाए, अब इस स्टेज पे आप गैस को बिल्कुल स्लो पे रखेंगे एंड इसे आप कंटिन्यू बॉइल होने देंगे जब तक कि ये पानी थोड़ा सा कम ना हो जाए। ये पानी बिल्कुल घट जाएगा एंड शुगर जो हमने डाली है उसकी वजह से भी ये जो हमारी जैम बन रही है ये थिकन अप हो जाएगी। स्ट्रॉबेरीज में से भी जो जूसेस निकलते हैं उसकी जो मिठास निकलती है उससे भी ये थिकन अप होगी। यानी कि ऑल टुगेदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी खासी पकेंगी। तो आपको इसे रखना है स्लो गैस पे 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए, अराउंड 10 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। ये जो झाग आप देख रहे हैं इसे आपको निकाल लेना है, बिकॉज जो शुगर में थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इसकी वजह से ही ये झाग निकलता है, तो इसे आप निकाल देंगे। फ्रेंड्स, फ्रूट में एक पेक्टिन नाम का इंग्रेडिएंट होता है, जिसकी वजह से जब आप फ्रूट्स को इस तरीके से पकाते हो तो वो रिलीज होता है, बिकॉज पेक्टिन उसके कोर में होता है। इस पकाने से वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से इसकी थिकनिंग कंसिस्टेंसी होती है एंड वो जैम के फॉर्म में आता है। उस पेक्टिन की वजह से ही आप किसी भी फ्रूट का जैम बना सकते हैं। स्ट्रॉबेरी में तो वो काफ़ी अच्छे से होता है, इसलिए स्ट्रॉबेरी जैम बनाना बहुत ईजी है। जिस किसी फ्रूट में पेक्टिन कम होता है उसमें एक्स्ट्रा पेक्टिन एडिशनली ऐड किया जाता है, लेकिन इसमें वो ज़रूरत नहीं है। सो ये देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं, अभी तक हमारी स्ट्रॉबेरीज शुगर एंड पानी का मिक्सचर अभी तक कुक हो रहा है। इसे आपको तब तक कुक करना है जब तक कि एक वन स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती। यानी कि जब भी हम चाशनी बनाते हैं उसमें जो स्ट्रिंग्स आती हैं मैं आपको दिखाऊंगी, वन स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी आने तक आपको इसे कुक करना है। तब तक मैंने यहाँ पर साइड में ये रखा है एक ग्लास जार, इसे आपको स्टरलाइज करना है। इस ग्लास जार को इस तरीके से बॉइलिंग वाटर में आप ग्लास जार एंड उसके लिड को डाल देंगे एंड इसे इसी में रहने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अंदर से अच्छे से क्लीन हो जाए, साफ हो जाए, स्टरलाइज हो जाए। एंड उसके बाद आप इस जार को बाहर निकाल के रख देंगे ड्राई होने के लिए। आपकी जैम के लिए आपकी ग्लास जार का स्टरलाइज होना बहुत ज़रूरी है एंड वो इसी तरीके से आपको करना है।
देखिए 15 मिनट के बाद मैंने आपको दिखाया था कि ये किस कंडीशन में था, और 15 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, एंड मैंने इसे बिल्कुल स्लो गैस पर ही पकाया है, यानी कि ऑलमोस्ट जब से शुगर डिसॉल्व हो गया एंड पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया उसके बाद आपको ऑलमोस्ट हाफ एन आवर आधा घंटा लगने वाला है इसे इस थिकन अप कंसिस्टेंसी में आने के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी वन स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी कैसे आई है। इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ चुका है, और हमारी जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। इस तरीके से आप हाथ में लेकर ये देखिए आप देख सकते हैं वन स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग आ रही है, जैसे भी मैं ये कर रही हूं इस तरीके से होनी चाहिए। तो जैसे ही हमारी वन स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी आ जाएगी, यानी कि थिकन अप कंसिस्टेंसी हमारे स्ट्रॉबेरी जैम की, उस स्टेज पे हम डालेंगे 3 नींबू का रस। ओके, इससे आपका जैम खट्टा नहीं हो जाएगा, लेकिन ये प्रिजर्वेशन में भी हेल्प करता है एंड उसके टेस्ट को भी बैलेंस करता है। सो ये देखिए फाइनल कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितना रिड्यूस हो गया है, स्टार्टिंग में कैसे था एंड अब अराउंड 1/4 आके पहुंच गया है पकने के बाद, और इतना अमेजिंग कलर आया है इसका एंड बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है मेरे किचन में। ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी। ओके, देख सकते हैं आप स्ट्रॉबेरीज भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं एंड बहुत अच्छा कलर भी आया है। अब इस स्टेज पे मैं डालूंगी ये 3 नींबू का रस एंड इसे फिर से हम अराउंड 5 मिनट के लिए बॉयल होने देते हैं। लेमन जूस इसे प्रिजर्व भी करेगा एंड जैसा कि मैंने आपको कहा इसके टेस्ट को भी बैलेंस करेगा। स्ट्रॉबेरी जैम जो होता है वो खट्टा और मीठा होता है, और अगर ये झाग जो आप देख रहे हैं ये अभी भी निकल रहा है तो ये शुगर की इम्प्योरिटीज ही होती है, तो इसे आप निकालते जाइए। इस तरीके से आप देख सकते हैं लेमन जूस डालने के बाद इसमें एक अच्छा शाइन भी आ जाता है। बस इसे 5 मिनट हम पकाएंगे। तो ये देखिए 5 से 10 मिनट कुक होने के बाद ये और अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं एंड कलर भी बहुत ही मज़ेदार आया है, बिल्कुल रेड। हमारी स्ट्रॉबेरी जैम बनके रेडी है एंड फाइनली अब मैं इसमें ऐड करूँगी, ये मैंने लिया है सोडियम बेंजोएट, और ये आपको डालना है सिर्फ पिंच। ओके, एंड इसे डालने के बाद आप सिर्फ 1 मिनट तक इसे और पकाएंगे। सोडियम बेंजोएट जो है वो एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। वैसे अगर आप इस जैम को फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के बाद तो 1 महीने तक इसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस स्ट्रॉबेरी जैम को 6 महीने या 1 साल तक स्टोर करना चाहते हैं तो सोडियम बेंजोएट डालना ज़रूरी है, बिकॉज वो एक प्रिजर्वेशन का काम करता है एंड वो आप इसमें डालेंगे सिर्फ 1 पिंच। सो ये देखिए बॉयल आ चुका है। अब मैं इस स्टेज पे गैस को कर दूंगी बंद एंड अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा वार्म होना चाहिए एंड उस वक्त आप इसे हमारी इस ग्लास जार में हम इसे डाल देंगे, क्योंकि अगर आप इसे कम्प्लीटली ठंडा कर दोगे तो आप इस ग्लास जार में ऐड नहीं कर पाओगे। तो ये हल्का सा ठंडा हो जाए, गर्म भी हो, तब आप इसे इस जार में पोर करेंगे, ताकि वो यानी कि आपको इसे डालना है जब ये पोरेबल कंसिस्टेंसी में हो। ओके, सो ये देखिए हमारी जैम ठंडी हो चुकी है। ये देखिए बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं, इतनी होनी चाहिए कि आप पोर कर सकें, हल्की सी ये वॉर्म है।
अब आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट जैम हमारी बन के रेडी हुई है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। इस स्टेज पे अब हम इसे ग्लास जार में ऐड करेंगे। स्पून से डालूंगी। ये देखिए मैंने जैम को पोर कर दिया है एंड ये अभी भी वार्म है। ये देखिए कितना मजेदार कलर एंड परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इसे आप अभी लिड नहीं लगाएंगे, इस जार में ही इसे रहने देंगे एंड ठंडा होने देंगे। जब ये कम्प्लीटली ठंडी हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, तब आप इसे लिड लगा के कवर करके फ्रिज में रखेंगे एंड फ्रिज में 8 से 10 घंटे जब आप इसे रखेंगे, यानी कि नेक्स्ट डे पे जब आप इसे निकालेंगे फ्रिज से, तो ये स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। ओके, तो इसे ठंडा होने के बाद मैं रखूँगी फ्रिज में एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि ये ब्रेड पे लगा के कितनी मज़ेदार लगती है। सो 8 घंटे हो चुके हैं, मैंने जैम को फ्रिज में रखा था एंड मैंने इसे 2 घंटा पहले ही निकाला है। ये देखिए कितनी अच्छी मज़ेदार सेट हो चुकी है। मैंने यहाँ पे ली है टोस्टेड ब्रेड एंड इस पे मैं आपको इसे स्प्रेड करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से स्प्रेड हो रही है। सो हमारी जैम हो चुकी है रेडी, अच्छे से सेट हो गई है। अब आप इसे फ्रिज में ही स्टोर कीजिएगा तो ये 6 महीने 1 साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी एंड अब ये बन गई है बिल्कुल जैम की परफेक्ट कंसिस्टेंसी में। और ये देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरीके से लेबलिंग भी कर सकते हैं। ये रेसिपी मैंने आपको कमर्शियल रेसिपी सिखाई है, तो आप अपनी इसी तरीके से लेबलिंग करके इसे सेल भी कर सकते हैं।